अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा, अरे कोई झगड़ा कोई लफड़ा कभी नहीं जो करते हैं। अरे क्यों फेंकते हो यार, है कभी तो सही बात करो। ठीक है तो भाई फिर ये सुनो, थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं। अरे थोड़ा झगड़ा थोड़ा लफड़ा कभी कभी जो करते हैं, थोड़े से कड़वे हैं लेकिन, अरे थोड़े से कड़वे हैं लेकिन खबर सभी की रखते हैं भाई, खबर सभी की रखते हैं। मक्कारों की पोल खोल कर, अरे मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना, मक्कारों की पोल खोल कर काम सभी के बनवाना। ऐसे कक्का जी के दर्शन चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं भाई, चलो धनादन करते हैं, चलो धनादन करते हैं। आज काक भुसुंडी जी कहाँ गया? लगता है उस पर भी मेरी डांट फटकार का असर हुआ है। जरूर प्रौढ़ शिक्षा की कक्षा में गया होगा। अच्छा है, आज अपना टाइम खराब नहीं करेगा। तो चलो आज बात करते हैं लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में। अच्छा भाइयों, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या लड़कियां अपने माँ बाप की लाडली संतान नहीं होती? क्या लड़के ही संतान होते हैं? तो फिर माँ बाप अपनी औलाद में छोरी छोरे का फर्क क्यों करते हैं? लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, सुबह से शाम तक घर के काम में, यहाँ तक के खेती क्यारी के काम में भी धकेल दिया जाता है। न तो उनकी कोई राय ली जाती है और न उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाता है। अरे उसे पढ़ाओ लिखाओ, जो वक्त पड़े उसके काम आए, उसका आत्मविश्वास बढ़े, वो भी गर्व से अपने माँ बाप की उम्मीदें पूरी करे और मुश्किल समय का सामना करने की उसमें हिम्मत आए। खैर मैं भी क्या भाषण करने बैठ गया, आज तो मैं एक ऐसी छोरी से मुलाकात कराऊंगा जो पढ़ाई लिखाई के कारण कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा यही देखना है। सुमन, ओ सुमन बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आ बेटा बैठ यहाँ, क्या कर रही है आजकल? बस कक्का जी, दसवीं की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तेरा गांव तो बहुत छोटा है। तो क्या हुआ कक्का जी? मतलब स्कूल है तेरे गांव में? दसवीं तक का तो नहीं है, इसीलिए तो पास वाले गांव के स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। रोज इतनी दूर पैदल चलकर स्कूल जाती है मेरी बिटिया? पढ़ने के लिए तो मैं और भी दूर जा सकती हूँ। शाबाश बेटा, सुना है स्कूल में अव्वल आती हो, आगे क्या इरादा है? आगे भी अव्वल ही आऊंगी कक्का जी। शाबाश, खुश रहो, तरक्की करो। और अच्छा क्या करती हो? कभी कभी कविता भी लिखती हूँ।
अरे बहुत अच्छे बेटा, कविता करना तो बहुत समझदारी की बात है। अपने कक्का को सुना तो कोई कविता। कक्का जी आप हंसना मत सुनकर। अरे नहीं बेटा, कविता अच्छी लगी तो दाद दूंगा। एक नई कविता सुनाती हूँ। सुना बेटा। ओ सूरज तेरी थोड़ी सी रोशनी उधार लेते हूँ, रात के अंधेरे में दीपक जलाकर उसे वापस कर दूंगी। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओ सूरज तेरी थोड़ी सी रोशनी उधार लेती हूँ, रात के अंधेरे में दीपक जलाकर उसे वापस कर दूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ओ आसमान तेरी ऊंचाई उधार लेती हूँ और बड़ी होकर तेरा उधार चुकाऊंगी, आर्यभट्ट के पंखों पर सवार होकर चांद तारों का रास्ता खोजूंगी, वो रास्ता जो मेरे स्कूल से होकर गुजरता है। शाबाश बेटे, बहुत अच्छे। वो रास्ता जो मेरे स्कूल से होकर जाता है। अरे तूने तो खुश कर दिया कक्का को। वाह बेटे वाह, तू तो बड़ी समझदार है री। अच्छा ये तो बता, तेरे माता पिता क्या करते हैं? कक्का जी हमारा गरीब परिवार है, चार जने हैं परिवार में, मैं, मेरा छोटा भाई और माता पिता, थोड़ी सी खेती है, बस उसी से गुजारा होता है। माँ बाप स्कूल जाने देते हैं? पहले नहीं जाने देते थे पर अब जाने देते हैं। अच्छी बात है, बड़े अच्छे हैं तेरे माता पिता। अरे कक्का जी हमारे वहाँ लड़कियों को पढ़ने भेजता ही कौन है, वो तो भला हो उस मधु दीदी का जिन्होंने मेरे माता पिता से खूब झगड़ा किया, बहुत समझाया बुझाया तब जाकर मुझे स्कूल भेजने पर राजी हुए, वरना मैं भी और लड़कियों की तरह बस वही चौका बर्तन और खेत खलियान में जुटी रहती। ये मधु दीदी है कौन बेटा? हमारे गांव की सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत पढ़ी लिखी है, गांव की औरतों को पढ़ाती है और बच्चों को स्कूल भेजने की हिमायत करती है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। मेरे माता पिता को उसने बहुत समझाया कि सुमन को पढ़ाओ सुमन को पढ़ाओ, पर वे एक नहीं मानते थे। फिर एक दिन क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, अरे तेरी कहानी तो हमारे पास फिल्म में है, चल सभी को दिखाते हैं सुमन बिटिया की कहानी। सुमन पहले जरा पानी तो ले आ। अरे सुमन तू स्कूल क्यों नहीं जाती? ये तो इनको ही पूछो। पढ़ा के क्या करना है फालतू का टाइम बिगाड़ने का, उससे तो अच्छा है काम में अपनी माँ का हाथ बटाए। ऐसी ही बात है चाचा, तो छोरे को पढ़ने क्यों भेजते हो, उसे भी लगा दो काम पर। हाँ वो भी क्या तीर मार लेगा पढ़ के, वो तो ठीक है उसके घूमने फिरने के दिन है तो करने देते हैं उसकी मनमानी। अच्छा तो जिसे पढ़ना है उसे मना करोगे और जिसे पढ़ना नहीं उसे ऐश करने के लिए स्कूल भेजते हो। देखो चाचा ये गलत बात है, छोरे को समझाओ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है,
मटर गश्ती करेगा और अनपढ़ रह जाएगा तो बड़ा होके पछताएगा। और साथ में छोरी को भी पढ़ाओ। छोरी पढ़ लेगी तो पढ़ा लिखा छोरा कहाँ से लाएंगे? शादी ब्याह की बात अभी से क्यों सोच रही हो? अभी उसे पढ़ाओ लिखाओ समझदार बनाओ, उसके अपने फैसले खुद कर सके इतना आत्मविश्वास आने दो। बाद में उस पर ही छोड़ देना कि उसे क्या करना है क्या नहीं। अरे वाह अरे वाह, ये तो अच्छी कही आपने। पूरे समाज में नाक कटवाओगे आप तो? मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मैंने किसी की नाक कटवाई? बताओ तू चाचा। माँ भूख लगी है, रोटी दे दे। ए छोरी, ले आ रघु आ गया, उसे रोटी दे दे। वो खुद नहीं ले सकता अपने हाथों से। जा अंदर जाके ले ले। माँ मुझे भूख लगी है, रोटी देना। ए छोरी क्यों परेशान करती है, बेचारा भूखा है। अच्छा ये छोरी कब से काम कर रही है, उसे भूख लगी है कि नहीं ये तो कोई नहीं पूछता। और छोरा तू खुद क्यों नहीं ले आता तेरा और तेरी बहन का खाना? जा अंदर जा, उठ। ए सुमली रोटी देना, सुनती नहीं क्या? लेखा और फिर जा जहाँ जाना है, करते रहना मटर गश्ती। ए उठाकर हाथ में दे, मैं ऐसी रोटी नहीं खाता। अरे छोरी दे देना, क्यों परेशान करती है? लेना है तो खुद ही ले लेगा वो, मैं कोई उसकी नौकरानी हूँ? जब देखो मेरे पर गुस्सा करती है, मुझे गालियाँ बकती है। रोला दिया ना, जब देखो छोरे के पीछे पड़ी रहती है, कुछ काम धाम करना नहीं और भाई को बांटती है। हाँ भाई को पीटती है। ये क्या करते हो चाचा, ये दो तो बच्चे हैं, पर आप तो समझदार हो, बाप होकर बच्ची पर हाथ उठाते हो, और वो भी गलती तुम्हारे छोरे की है। तब पहले मारने कौन दौड़ा था? पर रोटी उठा के हाथ में देती तो क्या जाता उसका? फेंक दे ये रोटी और उसकी रोटी छोरे को खिला दे, आज भूखी रहेगी तो पता चलेगा। जब देखो तब छोरे के पीछे पड़ी रहती है। चुप हो जा सुमन, देख मेरे घर पे और भी बढ़िया खाना मिलेगा, चल मेरे साथ। तुमने आज जो किया चाचा ठीक नहीं किया, छोरा छोरी में फर्क करोगे तो एक दिन बहुत पछताओगे। बैठ यहाँ, ये ले पानी पी, मुंह धो ले, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। सुमन तू अकेली नहीं जिसके साथ ये हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों के घर में ऐसे ही हालत है, लेकिन मैं हूं ना कुछ करूंगी। पर दीदी मुझे पढ़ना है, आपकी तरह शहर जाके पढ़ना है। सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा जरूर। बिल्कुल छोटी थी तब तो स्कूल जाया करती थी ना? हाँ मुझे मेरा नाम लिखना भी आता है। तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। रघु स्कूल जाता है? क्या पता जाता है कि खेलता रहता है। चाचा को खेती बाड़ी में भी कोई मदद नहीं करता? करता है, मर्जी हुई तो ढोर डंगर चराने जाता है, पर वो तो घूमने का बहाना है ताकि घर का काम ना करना पड़े। कभी बाजार या मेले में घूमने ले जाते हैं? ले जाते हैं, पर रघु को वो जो चाहे मिल जाता है, और कभी कभी तो वो मेरी चीज भी ले लेता है। माँ कहती है तेरा भाई है ना, पर दीदी वो मुझे अपनी चीज क्यों नहीं देता, मैं भी तो उसकी बहन हूँ। खैर छोड़िए सब बातें, पहले कुछ खा ले, फिर तो वो वाला गीत सुनाना, तू जो गाती रहती है ना खेतों में। दीदी तुम्हें कैसे पता मैं गाती भी हूँ? मैं रोज सुनती हूँ, सुबह सुबह तेरी आवाज यहाँ तक आती है। और भी गाने आते हैं क्या? मुझे तो ढेर सारे गीत आते हैं। और क्या क्या आता है तुझे? दीदी मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पर अब स्कूल नहीं जाती इसीलिए पढ़ाई तो बंद हो गई है, फिर भी छुप छुप कर कुछ लिखती रहती हूँ, एक
एक कापी में। ऐसी बात है और मुझे पता भी नहीं। तू तो ऐसा अनमोल रतन है सुमन, जिसकी कीमत तेरे माँ बाप को ही नहीं मालूम। दरअसल दीदी, मैं बचपन से आपको देखती आई हूँ और सोचती हूँ आप जैसी बन जाऊं। आप जिस तरह पंचायत में हिम्मत के साथ खड़े होकर भाषण करती हो या पुलिस के साथ बेझिझक कायदे कानून की बातें करती हो ना, तो मेरे मन में होता है क्यों ना मैं भी आपकी तरह बन जाऊं। अच्छा जी, मेरे जैसा बनना है। बनेगी तू भी मेरी तरह, क्यों नहीं बनेगी, पर पहले आके खाना खा ले। चल। बापू, मुझे उस दुकान से किताब खरीदनी है। कुछ नहीं लेना है, चुपचाप मेरे साथ साहूकार के यहाँ चलना है, हिसाब चुकाकर घर वापस आना है, और कुछ नहीं करना, समझी? रघु जब तुम्हारे साथ आता है तब तो ढेर सारे खिलौने लाकर देते उसे। अरे रघु तेरा छोटा भाई है और खेलने की तेरी भी कोई उम्र है। पर मुझे तो सिर्फ किताब खरीदनी है। कुछ नहीं खरीदना, पता नहीं तेरा बाप यहाँ कर्जा उतारने आया है, किताब लेकर क्या करेगी, पढ़ना लिखना तो आता है। नहीं आता है बापू, पढ़ना लिखना आता है मुझे। बस कर, अब चुप हो जा, साहूकार की दुकान आ गई। ए राम राम हीरामल। राम राम भाई, राम राम। बोलो क्या सेवा करूं तुम्हारी? सेवा तो मैं करने आया हूं आपकी। हमारे धनबाद जो आप हमारे पैसे लौटाने टेम पर आ गए। टेम पर तो आना ही था, वरना फिर क्या मुंह लेकर आता। ये देख लो तुम्हारा हिसाब। हाँ तुम ही गिन लो, बाद में कहना मत हीरामल हिसाब में गड़बड़ी करता है। वैसे तुम ही ने अंगूठा लगाया था जब लिया था। अब इसमें कैसा हिसाब और कौन सी किताब, आप ही बोलो कितना हो गया। जो हर बार होता है वही दे दो। वैसे एक बात है, तू जितनी ईमानदारी से पैसे चुकाता है उसी तरह सब करने लगे तो हीरामल का भाग खुल जाए। और हाँ, हीरामल का भी हिसाब आना पाई खरा होता है। बापू इसमें तो घोटाला है। ए छोरे, ला 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 किताब यहाँ लावो। तो अनपढ़ गंवार हीरामल को चुनौती देती है। तुझे क्या बोला था घर से निकलने के वक्त? हाँ चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थोड़ी देर? पर बापू। चुप, वरना दूंगा एक। अच्छा जाने दो जाने दो, बच्ची है। हाँ तो नहीं बापू, मैं ठीक कहती हूँ, मुझे हिसाब गिनना आता है। आप ऐसा हो तो किसी और से गिनवा लो, ये सेठ तो आपको। ए छोरे, बहुत हो गया तेरा बचपना है, अब ज्यादा बोली तो तेरा बाप क्या, मैं दूंगा दो कसके। क्यों रे हीरामल, तेरी गंदी हरकतें इतनी बढ़ गई है कि इसे छिपाने छोटी बच्चियों पर भी हाथ उठाएगा अब तू। अरे मधु, तू फिर आ गई, तेरा क्या काम है यहाँ,
जहाँ जहाँ भी तेरे जैसे बदमाश लोगों को लूटते दिखाई देंगे वहीं पे मैं मिलूंगी हीरामल। अरे मधु, क्या सुमन ठीक कह रही है? एक मिनट चाचा। अरे भाई हिसाब को छोड़। अरे ये बता तू मुझे कितने पैसे देना चाहता है? अरे हिसाब किताब तो चलता रहेगा। अरे वो मेरी किताब वापस दे, किताब वापस कर मेरी। क्यों? अपने करतूतों की कहानी छपाई है इसमें। चाचा सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें इतने घोटाले हैं कि क्या बताऊं। मतलब हीरामल तू इतने सालों से अपनी मीठी छुरी जैसी जबान चलाकर मेरी जेब काट रहा था? अरे 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 कैसी बात कर रहे हो तुम भी है? हमारा इतना पुराना रिश्ता ये आजकल की छोरियां नहीं तोड़वा सकती। तू ये सब छोड़, अपनी मर्जी से जो चाहे दे दे। ताकि हमारी गैर मौजूदगी में बाकी के पैसे वसूल कर सके। हीरामल ये तो सीधा सीधा धोखाधड़ी का केस बनता है। पुलिस बुलवाऊंगी तो 420 के केस में अंदर जाएगा। पुलिस की बात क्यों करती है? ले 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 ये सारा हिसाब यही के यही खत्म कर देता हूँ, ठीक है? ले ये बस। हाँ मधु अब छोड़ भी, तेरे हिसाब से जो बनता है ना वही दे देते हैं। पुलिस बुलाकर क्या फायदा? पुलिस बुलवाकर इसको ठीक करेंगे तो आज के बाद तुम्हारे जैसे और लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। ये हीरामल ऐसा करेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने सालों से उसके पास से पैसे लेते आए हो चाचा? अब उसके बाप के जमाने से मेरा बाप उधार लेता आया है। बोलो इस बार सुमन को साथ ले गया तो हकीकत सामने आई। पर इसके पहले सुमन के बदले रघु भी तो आता था, उसने कभी नहीं बताया उसको। अरे उसको एक अक्षर भी पढ़ना आ जाए तो स्कूल में लड्डू बांटूं। और आपको खुद को तो पढ़ना लिखना आता नहीं। मुझे तो बहुत पहले से पता था कि बापू जरूरत से ज्यादा ही पैसा वापस करते हैं। तो कलमू ही आज तक बोली क्यों नहीं? कैसे बोलेगी, कभी उसकी बात सुनने का वक्त मिला है? आपके पास तो सिर्फ छोरे के लिए वक्त है। अरे छोरी को छोरी समझो तो भी ठीक है। ढोर डंगर जो घर में बांध के रखे हैं उसमें और छोरी में फर्क किया है कभी? और आज इसी के कारण इतनी बड़ी बात का पता चला तो उल्टा उसी को कलमू ही कहते हो। ये तो तुम सोच भी नहीं पाई कि जिस छोरी को तुम स्कूल नहीं जाने देते वो हीरामल का हिसाब किताब कैसे गिन पाई? ये सब वो कहां से सीखी? मधु तेरी बात बिल्कुल सही है, ये तो हीरा है। हमें पता ही नहीं था कि ये इतनी अक्लमंद है। हमने खामखां इसे घर में बांधे रखा और वो रघु का बच्चा मटर गश्ती करता फिरता है, एक काम नहीं करता, नहीं ठीक से पढ़ता है। उसे हमने ही बिगाड़ा है, लेकिन कल से उसका स्कूल जाना बंद। देखो चाचा ऐसा कदम गलती से मत उठाना। उसे पढ़ने भेजना तो है ही, पर सिर्फ पढ़ने जाए आवारा गर्दी नहीं ये देखना है, वरना वो भी तुम्हारी तरह अनपढ़ रह जाएगा। सवाल यहाँ है छोरे छोरी के बीच अंतर रखने का। तुमने ऐसा करके दोनों तरफ नुकसान कर लिया है, तो अब क्या करें? अब इसे कहाँ पढ़ने भेजें? स्कूल में और कहाँ? दाखिला मिलेगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम तो बस इतना बताओ कि छोरी को सही में पढ़ाना चाहते हो या थोड़े दिनों में फिर चूल्हा चौका करवाना है? नहीं नहीं अब तो छोरी को पढ़ाना है, खूब पढ़ाना है, बिल्कुल आपकी तरह बनाना है। दीदी मेरे स्कूल का दाखिला कैसे होगा, कब होगा? हो जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं स्कूल में मास्टर जी से बात करूंगी। सच दीदी? बापू मेरे लिए स्कूल की किताब और कापी ला देना। आ जाएंगी बेटी आ जाएंगी, उतावली क्यों हो रही है, स्कूल में दाखिला तो होने दे। दीदी आप सचमुच कितनी अच्छी है। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना सुमन, खूब मन लगा कर पढ़ना। और चाचा अब की बार कोई लिखाई पढ़ाई का मामला हो तो पहले छोरी की सलाह लेना, फायदे की बात हो तो छोरी से भी पूछ सकते हो, उसमें छोटे नहीं हो जाओगे। और हो सके तो छोरी से तुम भी पढ़ना लिखना सीखो। हाँ हाँ भाई, अपनी छोरी के सामने छोटा थोड़े ही हो जाऊंगा। बापू और फिर इस तरह मैं स्कूल जाने लगी।
और पढ़ाई शुरू की और क्लास में पहले नंबर पर आने लगी, है ना? शाबाश सुमन बेटा, तूने तो पढ़ने के लिए इतनी सी उम्र में कितना संघर्ष किया। लेकिन ये तो बता, तेरा भाई रघु पढ़ता है कि नहीं? हाँ, वो भी खूब पढ़ता है, काफी समझदार हो गया है। समझदार बहन का भाई समझदार क्यों न होगा भला। कक्का जी, अब मैं चलूं, मेरी पढ़ाई का समय हो रहा है। जरूर जरूर, शाबाश बेटी, खूब पढ़ो लिखो, उन्नति करो, तुम्हारी परीक्षा में अच्छे नंबर आए उसके लिए मेरा आशीर्वाद। थैंक यू कक्का जी। तो सज्जनों और सन्नारियों, यानी माताओं और पिताओं, देखा आपने, छोरा छोरी में फर्क करने वाले कितनी बड़ी गलती करते हैं। छोरी का हक भी छोरे के बराबर होता है, उसका हक उससे मत छीनो, उसे शिक्षा का धन दो, वरना पछताओगे। अच्छा तो चलूं, राम राम, खुदा हाफिज, गुड बाय। ज्ञान बिना नर पशु समाना, कह गए तुलसी संत सुजाना। कक्का जी ने मरम ये जाना, काम बनाए अक्षर ज्ञान, काम बनाए अक्षर।